हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन डेटिंग एप्स जैसे कि टिंडर, बम्बल, हिंज, हैपन, इस तरह की एप्स में अपना समय व्यतीत करते हैं और किसी खास महिला मित्र की तलाश में हैं, तो यहां पर भी एक स्कैम जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। अब मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन डेटिंग एप्स में कई तरीके के स्कैम्स चल रहे हैं, उसमें से एक तरीके का जो स्कैम है जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इससे पहले कि मैं आपको इस स्कैम के बारे में पूरी जानकारी दूं, आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये स्कैम किस तरह से काम करता है और आपको इससे कैसे बचना है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक किरदार है जिसका नाम है विवेक, और विवेक अपने मोबाइल में तमाम तरह की जो डेटिंग एप्स होती हैं उनको इंस्टॉल कर लेता है, एक बेहतरीन से अपनी प्रोफाइल बना ली, और कई केसेस में तो ऐसा होता है कि लोग अच्छा दिखने के लिए 10 साल पुरानी फोटोज भी लगा लेते हैं ताकि अपनी प्रोफाइल को अच्छा दिखाया जा सके। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है लड़कियों की प्रोफाइल को लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप करने का, ये अच्छी है, ये खराब है, और इस तरह से 100, 200, 500 प्रोफाइल्स को चेकआउट करने के बाद अचानक से विवेक की किस्मत खुल जाती है। क्यों खुल जाती है? क्योंकि सामने से किसी एक लड़की ने जिसको कि आपने स्वाइप किया था या सुपर लाइक किया था, वो आपकी प्रोफाइल से मैच कर जाती है, यानी कि उसने आपकी रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट कर लिया होता है। अब विवेक जो होता है वो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली समझता है, क्योंकि आमतौर पर जितनी भी ये डेटिंग एप्स होती हैं वहां पर मैच हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, खासकर पुरुषों के लिए। तो भैया विवेक बहुत खुश है क्योंकि उसकी प्रोफाइल मैच हो चुकी है, और धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है उस लड़की के साथ में। थोड़ी ही बातचीत के बाद वो लड़की विवेक से जो है मिलने की इच्छा जाहिर कर देती है। तो विवेक भाई साहब के मन में तो लड्डू फूटा वाला जो है सीन चल रहा होता है, और खासकर जब ये प्यार पहली बार परवान चढ़ रहा हो तो दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। अब वो जो महिला जो है वो कहती है कि फला फला तारीख को फला फला जगह पर मिलते हैं, बातचीत डेटिंग ऐप पर ही हो रही है, वो आपको हो सकता है अपना नंबर भी ना दे। बताए हुए समय पर बताई हुई जगह पर विवेक पहुंच जाता है, वहां पर थोड़ी हाय हेलो के बाद वो महिला आपसे कहती है या वो लड़की आपसे कहती है कि चलो एक रेस्टोरेंट में चलकर बैठते हैं। अब यहाँ पर रेस्टोरेंट कौन डिसाइड कर रहा है, वो लड़की डिसाइड कर रही है, उस लड़की ने आपको उस रेस्टोरेंट के नियरेस्ट लोकेशन पे ही बुलाया होता है। अब वो जो रेस्टोरेंट था उसका माहौल कुछ खास ठीक नहीं था, वहां जाने के बाद वो देखता है कि बहुत ही छोटा सा लो रेटेड रेस्टोरेंट है और वहां पर पहले से ही 2-3 कपल्स बैठे हुए हैं। अब हो सकता है कि वो लड़की पहले से वहां आती रही हो, ऐसा सोचकर विवेक को लगता है चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो इस समय माहौल को नहीं देख रहा है, इस समय वो सिर्फ एक लड़की को देख रहा है जो डेट पर उसके साथ बाहर आई हुई है। तो यकीनन उसका सारा ध्यान जो है कहाँ है इस समय, लड़की पे, तो सारा फोकस जो है कैमरामैन पे है वो लड़की पर है। अब यहां पर क्या होता है, थोड़ी सी हाय हेलो होने के बाद, परिवार के बारे में पूछना, शौक और मूवीज वगैरह वगैरह पूछने के बाद वो लड़की कहती है चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। मेन्यू आता है, मेन्यू में 3, 4, 5, 6, 10 आइटम्स ही होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखा हुआ है, और इन सभी डिशेस की जो कीमत होती है वो देखकर विवेक के पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, और पहली डेट पे आप गए हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बजट लेकर तो जाते ही हो, और वहां पर आप ये नहीं सोचते कि यहाँ पर कितना बिल आएगा नहीं आएगा। फिर वो लड़की एक एक करके तमाम चीजें ऑर्डर करना शुरू करती है। वहां पर हुक्के का रेट जो है वो 8,000 से लेकर 12,000 तक, बियर की एक ग्लास का रेट 500 से लेकर के 1,500 रुपए तक, और इस तरह से वेज और नॉन वेज खाने का भी जो ऑर्डर आप कर रहे हैं उसकी एक भारी भरकम राशि लिखी होती है। अब यहाँ पर आप मना तो कर नहीं सकते, पहली डेट पर गए हुए हो, और वो लड़की फटाफट सब मंगाती जा रही है, उसने हुक्का भी मंगा लिया, उसने दारू भी मंगा ली, उसने खाना भी मंगा लिया। आप भले ही शर्माते रह जाओ लेकिन वो खाना ऑर्डर करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माती है। बातचीत चल ही रही होती है तभी अचानक उसका फोन आ जाता है और वो कहती है कि मुझे कहीं अर्जेंटली निकलना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ऐसा काम है। कई बार वो मम्मी का बहाना, कई बार वो पापा का बहाना, कुछ भी वो बहाना बनाती है और कहती है कि सॉरी विवेक, आज मुझे जाना होगा, अब हम फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। ऑब्वियस सी बात है, बिल आपको भरना है। जब आप बिलिंग काउंटर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आपका बिल 15,000 रुपए आ चुका है, या 10,000 रुपए आ चुका है, या 20,000 रुपए आ चुका है। तो इस तरह का लंबा चौड़ा बिल आपके सामने पेश कर दिया जाता है और ना चाहते हुए भी आपको वो बिल पे करना पड़ता है। ये तो था एक केस, इसके अलावा और भी तमाम केस हुए जहां पर लड़की आई ही नहीं, उसने बंदे को रेस्टोरेंट का पता दिया, बंदा गया, वहां बैठा, वो लड़की बस 5 मिनट में आ रही हूँ कहते हुए उसको बोलती है कि तुम वहां पर ऑर्डर कर लो, मैं पहले वहां जा चुकी हूँ अपनी दोस्तों के साथ में, वहां पर ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो जब ऑर्डर आ जाएगा तब तक मैं वहां पर
पहुंच जाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी दुम छल्ले होते हैं, कुछ ऐसे भी नए नए आशिक होते हैं जो कि लड़की के आने से पहले ही ऑर्डर कर बैठते हैं और बाद में वो लड़की फ़ोन पर मना कर देती है, जैसा कि इस केस में हुआ था कि सॉरी मेरा यहाँ से फ़ोन आ गया था, वो वहाँ से फ़ोन आ गया था। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पर लड़की अपनी किसी सहेली के साथ वहाँ पर टपक जाती है, कहती है कि अरे यार अचानक से फ़ोन आ गया और वो यहीं पास में थी तो उसने इंसिस्ट किया कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो पहली डेट पर दो दो लड़कियां तुम्हारे सामने बैठी हुई हैं और बातचीत में वो दोनों बहुत ही ओपन माइंडेड होती हैं, आपसे आपके बारे में सारी वो जानकारी लेती हैं, अपनी भी कुछ जानकारियां शेयर करने के बाद आपका लंबा चौड़ा जो है बिल बना करके वो आपको टाटा बाय बाय करके चली जाती है। एक केस मैंने और पढ़ा था, उसका भी जिक्र कर देता हूँ। वहां पर क्या होता है, जो लड़का डेटिंग करने जा रहा है वो पहले से सतर्क होता है, उसको लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो अपने रूममेट अपने दोस्त को कहता है कि भाई मैं जब उस रेस्टोरेंट में जाऊंगा तो तुमको मैं लोकेशन भेज दूंगा, तो तुमको क्या करना है थोड़ी देर बाद तुम उस रेस्टोरेंट में खुद आना और वहां जाकर के कॉफी ऑर्डर कर लेना और बैठ करके उस पूरे माहौल को भांपने की कोशिश करना, कहीं कोई रिस्क है कुछ भी है तो एटलीस्ट तुम तो मेरे साथ रहोगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, चूंकि वो सेटअप पूरा बनाया हुआ है, वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति आता नहीं है, तो जब उसका दोस्त आधे घंटे एक घंटे बाद वहां पहुंचता है तो अचानक से लड़की को फोन आता है और लड़की उठ के बाहर जाती है, बातचीत करती है, उसके बाद वापस आकर के लड़के से बोलती है कि इस टेबल पर बैठा हुआ शख्स क्या तुम्हारा दोस्त है? वो कहता है नहीं। लड़की कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। आसपास बैठे हुए सभी कपल्स और खुद रेस्टोरेंट के वेटर्स और ओनर जो होते हैं वो घूर घूर करके लड़के को ही देख रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस तरह के जो रेस्टोरेंट्स के ग्राहक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों की बदौलत ही आते हैं, अपने आप कभी भी उस रेस्टोरेंट तक कोई नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि इस तरह के रेस्टोरेंट जो होते हैं वो ऐसी ही जगहों पर बनाए जाते हैं, इनकी कोई गूगल रेटिंग नहीं होती है और ना ही इनके बारे में कहीं कोई इश्तिहार छपा होता है, ना ही इनका कोई बोर्ड बाहर कहीं लगा होता है, जो कुछ होता है वो रेस्टोरेंट के अंदर ही होता है, सारी मार्केटिंग जो होती है वो रेस्टोरेंट के अंदर ही होती है। या मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे दोयम दर्जे के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो इस तरह की ट्रिक्स से इस तरह की लड़कियों को या तो परसेंटेज बेस पे हायर करते हैं या फिर उनको एक मोटी सैलरी दी जाती है इस तरह के डेटिंग ऐप्स में लड़कों को फंसाने की। तो आपसे गुजारिश है कि अगर इस तरह की डेटिंग ऐप्स पर आप जाते हैं, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप करते हैं, तो इस तरह की चीज़ों का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस तरह से अननोन रेस्टोरेंट में जा करके कुछ आपके साथ अनहोनी भी हो सकती है, हो सकता है आपको लूट लिया जाए, हो सकता है आपका मोबाइल चोरी कर लिया जाए, हो सकता है कोई महिला आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ऐसे केसेस में आमतौर पर जो इल्ज़ाम होता है वो पुरुषों पे ही आता है, लड़कों पे ही आता है, पब्लिक भी कूटने आती है तो लड़कों को ही आती है। सबसे पहले लड़के को कूट दो, उसके बाद लड़की की बात को वेरीफाई करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि आप डेटिंग के लिए खुद गए हुए होते हो तो ऑब्वियसली पुलिस के पास भी जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि एनोनिमस रहना होता है आपको, आपको लगता है कि यार मैं जाऊंगा तो मेरी ही बदनामी होगी। तो इस तरह की चीज़ों में ना पड़े, क्योंकि आमतौर पर ऐसे डार्क स्पेसेस में जो है स्कैम की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और ख़ासकर वो लोग जो नौसिखिए होते हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, शहरों में पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं लेकिन डेटिंग का चस्का चढ़ा हुआ है, डेटिंग ऐप्स के जो भ्रामक प्रमोशंस होते हैं कि आपने दो चार स्वाइप किया और लड़की मिल गई आपको, तो वो सब देखने के बाद लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे इस तरह से मिलने पहुंच जाते हैं और लड़कियां उनको हलाल कर लेती हैं। तो अगली बार अगर आप इस तरह किसी भी डेटिंग ऐप में कोई भी मैच हो जाता है आपके साथ में, कोई महिला मित्र आपको मिलने के लिए बुलाती है, तो अपनी ही सेलेक्ट की हुई जगह पर आप उसको लेकर के जाएं, और कहीं ऐसा होता भी है कि पहली डेट है उसकी बात आप मान भी रहे हो तो उस जगह के बारे में पहले अच्छे से रिसर्च कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसी जगहों के बारे में, ऐसे कैफेज़ के बारे में ऑनलाइन भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में आपको इस खास स्कैम के बारे में समझ में आया होगा। तो प्यार मोहब्बत इश्क सब कुछ कीजिए लेकिन उसमें ठगे मत जाइए, बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया अब लाइक मार देना, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों रिश्तेदारों तक अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।